दोस्तों आप लोगों को आज भी दिखाएंगे कुछ पहाड़ी डिश बनाकर। मम्मी की तरफ से आज एक नई पेशकश आप लोगों के लिए, पहाड़ी डिश। तो इसे कहते हैं पहाड़ी दाल का फाड़ू। ये है गोंद की दाल। इसे भिगोया जाता है पूरी और रात भर सोख किया पूरी जाता है। रात भर भिगोया जाता है इसे। और जो भीगा हुआ इसका पानी है, इसका एक गुण है, जो भीगा हुआ पानी होता है, जो पानी बचता है उसे आप लोग, जिसके पथरी होती है, जिसके किडनी स्टोन होता है, उसमें बहुत फ़ायदेमंद है, उसे काटता है ये पानी। तो ये दाल बहुत फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी वगैरह भी बढ़ाती है और प्रोटीन से भरपूर है। गैस मैंने मिक्सी में डाल दी है। आज हम बना रहे हैं गैथोनी। ये गांव में बहुत पहाड़ी डिश बहुत बनती है ये। अब इसे मैं मिक्सी में पीस लूंगी। इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है। बारीक नहीं करना, इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल। और ये लोहे की कढ़ाई में ही अच्छा बनता है। और ये जब तक तेल जल रहा है मैं इसमें दो टमाटर डालूंगी, वो मिक्सी में पीस लूंगी। ये मेरी बात नहीं हो रही दोस्तों, ये मतलब शहरों के बच्चे जो है ना वो खाते नहीं है, हम तो सब खा लेते हैं। थोड़ा सा जखिया, तेल गरम हो गया। जखिया डाल दिया इसमें मैंने, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया और थोड़ा सा इसमें मैंने हींग डाल दिया। और अब इसमें मैं डालूंगी एक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा गोल्डन करूंगी। अभी प्याज हो गए गोल्डन, इसमें मैं डालूंगी टमाटर। नमक स्वाद अनुसार और ये धनिया पाउडर। हम भून लेंगे। अरे चाची आ गई। मैं डाल दूंगी अब देखो ये का। मसाला भून गया है,
अब इसमें दाल डाल देंगे, पिसी हुई, पिसी हुई वाली जो पीसी थी। अब इसे खूब भूनना है, चाहिए नीचे भी लगे, इसे खरोंचते रहना है। इसमें और है, अब इसकी पकाई करनी है, बहुत भूनना है इसे बढ़िया तरीके से, सिम पर इसे भूनते रहो बस। ये अब मैंने इसे खूब भून लिया, ये तेल सा थोड़ने लग गया, इसे जितना भूनेंगे ये उतना स्वाद लगता है। ये ऐसे अब गूंदना सा लग गया, जैसे आटा टाइट होता जाता है ये वैसा होता जा रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी ये उबला हुआ पानी। पानी इसमें थोड़ा ज्यादा रखें क्योंकि ये सिम पे पकता है और ये जो इसकी गांठें लम्सी बनती है ये जैसे जैसे पानी उबलता जाता है ये कम होती जाती है, खत्म हो जाती है। इसमें मैं और पानी डालूंगी अभी क्योंकि ये सिम पे बनेगा, बहुत टाइम लगेगा अभी इसको बनने में। जितना तुम इसे पकाओगे ये उतनी स्वाद बनती है। बस एक मिनट। और ये दाल जो मैंने बचाई है इसको मैं थोड़ा सा पीसूंगी और इसकी ना मैं तवे में पटूड़ी बनाऊंगी, अभी तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर तुम इसे करारी करके इसमें तोड़ के डाल सकते हो, बहुत स्वाद लगती है। इस दाल को दोस्तों कुलती भी बोलते हैं, गैत भी बोलते हैं, गौत भी बोलते हैं कई जगह, और ये हमारे उत्तराखंड में बहुत फेमस है। दाल मैंने जो पीसी है तवा गरम करने रखा है और इस दाल में मैं हल्का सा नमक मिलाऊंगी और फिर जब ये बन जाएगी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे डालनी है इसमें। ये भी मोटी मोटी पीसनी है। अभी मैं तवा गरम हो रहा है उसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और फिर उसमें फैलाऊंगी। और सरसों के तेल में ही अच्छी लगेगी, है सरसों के तेल में ही बनाना है। इसे कहते हैं पटूड़ी। देखो सरसों का तेल डाला तवे पे, दोस्तों इसे ना थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। इसमें ये पिसा हुआ ये डालूंगी मैं
और इसे ऐसे फैला दूंगी। दोस्तों ये बहुत टेस्टी बनती है पतोड़ी, ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं इसको खूब करारा करके इसी में डालूंगी। ये फाड़ू, ये इसमें कैद के फाड़ू में डलेगी टूट के। जब डालूंगी आप लोगों को दिखा, आप पलट रही हूँ और दूसरी तरफ से भी इसे ऐसे ही सेकूंगी। चल अब ये बन गई पटूड़ी, इसे आप ऐसे भी खा सकते हो चाय के साथ। पर मैं इसके करूंगी टुकड़े, और जब ये मेरा ये बन जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये। ऐसे टुकड़े कर दिए मैंने इसके, अब ये पक जाएगा इसमें डाल दूंगी पकने से थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों ये धीरे 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 देखो अब ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, और अब ये कलर भी देखो इसका चेंज हो चुका है। अब ये बन चुका है, इसमें कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है। बनाई थी मैंने पटूड़ी, अब इसके अंदर डाल दूंगी, इसे एक दो मिनट पका के गैस बंद कर दूंगी। Yeah.